वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। हाथ छोड़ना भाई। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू। उसको देखो भाई, इंट्रो भी करने नहीं दे रहा है। ये देखो कैसे काट रहा है। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। बहुत मानूंगा इसको मैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम लोग मेरा डॉगी कैसे बिहेव करता है वो दिखाने वाले हैं। बहुत ही गंदा बिहेव करता है वैसे तो, बहुत ही काट रहा है अभी। ये देखो, इसको कुछ पैर पर मैं जब हटाता हूँ ना, इसको ये काटता है ना, मैं जब इसके पैर हटाता हूँ, मेरे पैर हटाता हूँ, तब ये मुंह पे आता है, मुंह पे काटता है भाई। चलो भाई, स्टार्ट करते हैं आज की डॉगी बिहेविंग वीडियो। अबे अभी तो चुप बैठ। क्या बताओ, क्या 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 हुआ? क्या मैं बता रहा हूँ उसको प्यार से। क्यों 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 बोल बोल बोल, क्या हुआ क्या हुआ क्या क्या क्या? ये कुछ छोटे भाभी नहीं है। चुप। तो गाइस, इसकी पहली बात ये है बिहेविंग। तो भाई, अगर आपको ये लेना है, ये बिहेविंग नहीं है, आपको ये लेना है डॉग लासा लेना है इसको, तो आपको इसकी बहुत केयर करने पड़ेंगी। आपको बता रहा हूँ, इसकी बहुत केयर करनी पड़ेगी भाई। इसके बाल इतने बड़े होते हैं, इतने बड़े होते हैं। इसका नाम ऐसे ही लगा है, एल से ला, लार्ज 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 हेयर्स भाई। क्या हुआ? तो इसके बहुत ही लार्ज हेयर्स है, मतलब बहुत ही बड़े बाल है इसके। तो इसके बाल की आपको बहुत केयर करने पड़ेंगे, फिर ये बड़ा होगा। तो मेरा तो मेल है, आप फीमेल लोगे तो फीमेल के भाई बहुत ही बाल होते हैं, ऐसे नीचे तक जाते हैं बाल। तो आपके घर में भी पूरा पूरे इस पर बाल भी गिर सकते हैं। तो अच्छा करो कि आपके पास फीमेल होगा लासा पप्पी का, तो उसको आप एकदम थोड़े से शैम्पू से नहीं, ना तो वो बाल बहुत गिरेगी बहुत। तो एक बात बता रहा हूँ, थोड़ा सा शैम्पू लेके उसको लगा। बाकी इसके अभी बिहेविंग की बात करते हैं। इसका हमने कुछ तो लिया ना, ये खेल रहा है। चलो, ये खेल रहा है, कुछ तो खेल रहा है। चलो, इस पेंसिल से खेल रहा है ये। तो इससे ये पेंसिल छीन के लिए ना, तो वो आपको बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि ऐसा काटेगा ना, पैर को काट रहा है मेरे अभी भी। रुको, मैं अभी रुको, ये हटाता हूँ, आपको दिखा रहा हूँ ये कैसा ऐसे कारनामे कर रहा है मेरे। ये मैं इधर बैठा हूँ, और ये देखो मेरे पैर को कैसे, ये देखो, ये देखो, ये मैं ऐसे बैठा हूँ ऐसे पैर करके। अभी देखो मेरे पैर के इधर आ जाए मेरे को काटने के लिए। तो फिर से मैं लगा देता हूँ। अरे चुप ना। फोन तो लगा लिया है थोड़ा नीचे, तो अभी परफेक्ट है। तो ये जो लासा पप्पीज है, इनका कुछ छीना तो ये काटते हैं बहुत जोर से। बेसिकली छोटा होने का नहीं, बड़ा होके बहुत काटते हैं, बहुत। फीमेल भी काटेगी आपको, और ये पागल हो रहा है अभी, बहुत ही पागल हो रहा है। आपको नीचे पिलो दिख रही होगी, तो सॉरी, पिलो है नीचे, मैंने पिलो के ऊपर मोबाइल रख दिया। चुप बैठ। ये दे दूँ ये भाई, मैं बहुत गंदा हूँ। ऐसे ये ऐसे
ऐसे ये बहुत एंग्री होते हो जाता है। आपको पिलो हटा देता हूँ। तो अभी इनकी बिहेविंग थ्री की, अगर आपने इनको खाना नहीं दिया तो भाई ये बहुत एंग्री हो जाते हैं, हमको खुद ही आके बोलते हैं भाई ये खाना दे दो, हाँ 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 ऐसे करते हैं। ये देखो अभी इसने ढका दी। बिहेविंग फोर तो ये जो लासा पपीज होते हैं इनकी जो मतलब हमको बचाते हैं बाकी पपीज ऐसे पिटबुल और ऐसे कौन सा वो पपी डॉगो अर्जेंटीना, ये सब हमको बचाने आते हैं। और जर्मन शेफर्ड ये सब हमको बैल बजाते हैं ना कोई तो हमारा तो ये सब डॉग्स काम में आते हैं, कोई तो हमको पकड़ के लेके जा रहे हैं घर से सीधा हमारे। तो ये डॉग्स लासा भी बहुत ही अच्छा है, ये सबसे चीज़ें इनको भाई आप सेफ्टी में भी ले सकते हो, पर इनको पुलिस ऑफिसर्स ऐसे काम में नहीं है क्योंकि इनकी पिटबुल डॉग अर्जेंटिनो जैसी इनकी हाइट ही नहीं है, मतलब इनके मुंह भी नहीं है उतना। ये बहुत ही छोटे रहते हैं, इनकी ईयर से जीप आते हैं उतना है, टेंक या ट्वेल्व ईयर्स हैं इनके, ये तब तक जी सकते हैं, पर आप उनकी ज़्यादा कर सकते हो तो 14 टू 16 ईयर्स ये जी पाते ज़्यादा केयर करो तो। बिहेविंग नंबर 5, ये बहुत प्लेफुल है, मतलब मैं बैड कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये बहुत प्लेफुल है, बट इनको अगर हम बड़े होके ना दूसरों को कटवाए ना, मतलब ऐसे दूसरों को किसी को तो इनसे हमला करने को बोले ना तो ये नहीं करेंगे बड़े होकर, क्योंकि इनको मतलब ये लासा पपीज ऐसे है कि इनको समझता ही नहीं है कुछ, छो करे तभी भी नहीं, तो ऐसे होते हैं लासा पपीज, तो इनकी बहुत केयर करनी पड़ती है। और एक बात मैं आपको वो नाश्ता करने के बाद बोलता हूँ भाई, चलो नाश्ता करने जाता हूँ। तो गाइस मैं नाश्ता होकर मैं फिर से यहाँ पे आ चुका हूँ, तो मेरे को आपको कुछ तो बताना था। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसके आधे ही सब कुछ बताया था, इसका खाना कैसे होता है अभी और बता रहा हूँ, तो भाई वीडियो ज़रा बड़ी होगी तो प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन तो दबाना प्लीज़ यार, अभी तो चैनल स्टार्ट किया है जैसे तो प्यार दिखा। चलो अभी जाते इसकी बिहेविंग करने तो भाई हम फिर से आ चुके हैं हमारी जगह पे, तो इसको मैं पहले लाता हूँ, रुको भाई इसने मोती कर दी, कितनी मोती कर रही भाई उसने, मोती मोती कर दी, इतने तो कभी किए भी नहीं है उसने, दिखाता हूँ रुको भाई हट उसने नीचे बैठा, ये देखो इतनी मोती की है भाई उसने, अभी की मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इसको हमने December 4 को लाया, ये तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, पर ये पहले से ही जब आया था तब ये 1 month 30 days का था, ये पहले से ही बहुत बड़ा था, बहुत ही बड़ा था, तो हमने इसको बहुत देर से लिया, वो बहुत देर से बड़ा हुआ उधर पेट शॉप में, बहुत देर से बड़ा हुआ, तो भाई इसको हमने ये जब
1 month 45 days हुए हैं इसको, अभी तो इसको 2 months 30 days हुआ। हमने इसको लिया था 1 month 45 days का, तब ये था, अभी ये 2 months 30 days का है, तो कितना डिफरेंस है। वो जब आया था पेट शॉप में, तब वो ये दूसरे भी पेट शॉप से आया था, जो हमने इसको पेट शॉप से लिया है, उन्होंने दूसरे पेट शॉप से इसको लिया है, क्या ही बात। तो आज के लिए इतना ही नहीं भाई, अभी तो इसके बहुत बिहेविंग बाकी है भाई। चलो करते, अभी तो मैं बोलते बैठा था, चलो करते। तो गाइस ये अभी इसको लेके आ, हाँ हाँ ये देखो अभी इसकी 6th बिहेविंग है। मैं मार रहा नहीं हूँ ऐसे ही, क्या था ये? क्या होता है? अभी उसने ढका दी भाई, पहले तो ऐसे दे। तो भाई किधर आ रहा भाई, किधर आ रहा हूँ, कुछ आ और इसकी 6th बिहेविंग। मैं इसके बारे में कुछ बैड नहीं बोलूँगा, ये सब इसके प्लेफुल ये सब होता है, इसके बिहेविंग अच्छे वाले बिहेविंग, गंदे वाले तो बहुत है, पर मैं अभी वो बताऊँगा नहीं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसकी जो 6th वाली बिहेविंग है, तो ये भाई बहुत प्लेफुल है, बहुत प्लेफुल, ये प्लेफुल बहुत होते हैं। और इनकी जो साइज़ होती है, वो जो वो बड़े होते हैं, बहुत ही बड़े मातारे होते हैं, तब उनकी साइज होती है 5 के 6 फीट उनकी साइज़ होती है। और उनका जब ये बड़ा पेट बड़ा होता है, तो इतना ही हो पाता है, इतना नहीं तो इतना, वो रन करेगा तो इतना होगा, रन नहीं करेगा तो इतना हो। तो ऐसे हमारे ऊपर भी ये होता है। मैं अभी मोटा हो गया बहुत, मैं आपको दिखा दूँ भाई, मैं पेंसिल तोड़ दी भाई मैंने, ये देखो, ये देखो भाई मेरा पेट बहुत बड़ा है। और मैंने आपको ये बताया नहीं, फर्स्ट व्लॉग में मैं आपको ये बताया नहीं कि मैं कितना ईयर्स का हूँ, कौन से क्लास में पढ़ता हूँ, कौन से स्कूल में पढ़ता हूँ, ये तो मैंने बताया ही नहीं। पिछले महीने मैं कौन से स्कूल में पढ़ता हूँ वो बताया था, पर कौन से स्टैंडर्ड में नहीं, स्टैंडर्ड में भी बताया था, और कितने ईयर्स का वो नहीं बताया। तो मेरा जन्म 2014, ये कल मेरा बर्थडे था ना, तो आज 23 है, ये 2014, 22 दिसंबर। तो इस क्या हुआ भाई इसको, रुको उसको लाता हूँ। और मैंने ये पेंसिल तोड़े थे, अभी मेरे पैर से टूट गई है पेंसिल, अभी मैं उसको जाने ही दूँगा, किधर भी जा भाई तू, जाने ही दूँगा, फिर मैं तेरे से नाटक कर रही है कितने देर से। अभी आज के लिए इतना है भाई, इसके 6 बिहेविंग वो भी बैड नहीं है, पर इसके जो बिहेविंग बैड है वो सिर्फ 3 है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। और भाई आपको, आपने इनको चिढ़ाया ऐसे करके, तो ये बहुत बहुत आपको भौंकेंगे, बहुत काटेंगे, तो इनको गुस्सा भी आता है, जैसे पिटबुल होते हैं, डॉग अर्जेंटीना होते हैं, जर्मन शेफर्ड होते हैं, और चाइनाज में डॉग भी बहुत बहुत प्लेफुल होते हैं, चाइनाज में। तो
चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार, नमस्कार नहीं भाई, मैं दूसरे यूट्यूब में उसका ये कर रहा हूँ। तब तक के लिए मेरे को सपोर्ट दे और लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाए। तो बाय बाय।